नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर भारत में। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उसको सींचने में हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ज्ञान की भूमि नालंदा, जहां से पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैल, उस भूमि से ताल्लुकात रखने वाले सच्चे समाज सेवी सर गणेश दत्त की आज 153वीं जयंती है। इस मौके पर हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। चंद्रवंशी ने कहा कि सर गणेश दत्त ने अपने पद पर रहते हुए गरीबों, लाचारों और विधवाओं की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, साथ ही जीवन भर इसके लिए संघर्ष करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य शिक्षा और सामान्य वेतन की आवश्यकता की बातें कही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ विशेष कहा रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं और इस विद्यालय में जितने भी हमारे गुरुजन हैं, मंचासीन हैं, आज हम यहाँ वक्ता के रूप में नहीं एक शिष्य के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग का आशीर्वाद ही हमारी आदरणीय सभी शिक्षक महोदय महोदया सर गणेश दत्त जी आजादी से पूर्व भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो योगदान दिए आज यह अनुकरणीय है। उनका जीवन उनकी अपनी कमाई का तीसरी हिस्सा समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया करते थे। आज भी ऐसी ही व्यवस्था की आवश्यकता है। उनका जीवन जिस समय जाति पात धर्म से बिल्कुल ओतप्रोत थी, वैसे समय में शिक्षा के मंदिर का निर्माण कराकर और सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी को सभी एक सूत्र में, एक माला में पिरो के चलने का काम किए। आज सर गणेश दत्त जी की 153वीं जयंती पर हम लोग उनके चरणों में पुनः श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज समान शिक्षा और समान वेतन की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र की बजट को काट कर बढ़ाकर और शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा का जो बजट है वो उसको कटौती करके और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नरकीय स्थिति जो बना गया है उसे सुधारने की जरूरत है और हम सभी लोग आपस में मिलकर इस शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे पूर्व से इसी विद्यालय में कभी देखते थे हजारों हजार के बच्चे पढ़ते थे, लोग आते थे, आज बच्चे लोग सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं करते। यह सरकार की उदासीनता है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार सर गणेश दत्त जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत आगे की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ फॉर भारत को।